तो इसी बात से लग जाता है कि उत्पादन कैसा है। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ट्रेंच विधि खेती यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो किसान भाइयों, आज हम कर रहे हैं मल्चिंग की तैयारी। मल्चिंग में ली हमने गन्ने की पत्ती और ये जो भी पेटी गन्ना की छुलाई हो रही है उसकी पत्ती उठाकर, और ये पौधा गन्ना है, इसमें फलवा देंगे। पत्ती भरने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और ना ज़्यादा लेबर लगती। अब ये एक आदमी ने पत्ती उठाकर ट्रॉली भर दी, यानी कि आप ये मान के चलो पाँच खुड्डों की पत्ती, पाँच या चार खुड्डों की पत्ती एक ट्रॉली में आ गई, लगभग दबा दबा के भर दी थी ये तो। और अभी करीब करीब आधा घंटा हुआ है, आधा घंटे में ये भर भी दी और ये खाली भी हो जाएगी, तो इसमें ज़्यादा मेहनत और लेबर नहीं लगती। और एक दिन जैसे अब ये पत्ती हमने यहाँ पे लगवा दी, जगह जगह, ये पूरा लंबा खेत है, इसमें जगह जगह यहाँ लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे ढेर लगाया था वो फलवा दी है खोड़ खोड़ के अंदर। सभी खुड्डों में इस पत्ती को फलाने से हमें लाभ ये मिलेगा, मिट्टी के अंदर लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, क्योंकि किसी भी फसल को अपना विकास करने के लिए केवल नमी ही पर्याप्त होती है। और ये हमारी मजबूरी होती है कि हमने पानी दे दिया, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है ड्रिप इरिगेशन के या और भी जो सिंचाई के साधन होते हैं वो हमारे पास है नहीं, तो इस वजह से हमें पानी देना पड़ता है। तो अब जैसे हमने ये पत्ती फैला दी तो मल्चिंग कर दी, इससे नमी बनी रहेगी, खरपतवार नहीं होने का, और तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हें अपना विकास करने के लिए पर्याप्त नमी, पर्याप्त टेम्परेचर वो उसके अंदर मल्चिंग के अंदर मिल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है मल्चिंग का। अब ये जो हमारा जितना भी पेड़ी गन्ना था वो सारा, उसकी सारी पत्ती उठवाकर इस गन्ने में फलवा दी, और वो 9 बीघे खेत था जिसकी पत्ती उठवाई है, और ये भी 9 बीघे है, तो उसकी सारी पत्ती इसमें आ चुकी है। कुछ पत्ती थोड़ी बहुत दूसरे खेत है सामने उसमें फलवा दी थी। तो पिछले कई सालों से ऐसे ही करते हैं, जो पेड़ी गन्ना है, पेड़ी गन्ने की पत्ती, सारी पत्ती उठवाकर इस पौधे गन्ने में फलवा देते हैं, तो उससे लाभ ये। अच्छा, फिर लागत, पत्ती उठवाने की लागत, अब आप ये लगाओ दो आदमियों ने जो पत्ती उठाई थी 2 दिन में सारी पत्ती उठाकर इस खेत में डाल दी, और 10 नफरियों ने वो पत्ती खुड़ खुड़ में इस तरह से फला दी, तो लागत भी ज़्यादा नहीं आती। अच्छा, फिर ये पत्ती हो गई, फिर ये पत्ती, ये जैसे गन्ना छिलेगा तो इसकी पत्ती भी इसमें आएगी, तो वो डबल पत्ती होगी। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, रेटून मैनेजर चला देंगे, तो ये जो मिट्टी है यहाँ से ये कट के इसके ऊपर आ जाएगी, मिट्टी के नीचे पत्ती आ जाएगी। और पत्ती आने से, जैसे गर्मियों में केंचुए नहीं आते, और मैं ये काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जब से हमने ये काम शुरू किया है मैं देखता हूँ, जैसे हम ये रेटून मैनेजर चलाने के बाद मई जून में, अप्रैल मई में, तो केंचुए तो आते नहीं, लेकिन इस जगह इसके ऊपर मिट्टी है, बीच में पत्ती है, फिर नीचे मिट्टी है, तो उस मिट्टी में सारे केंचुए ऊपर मिलते हैं, और मिट्टी बहुत ही बारीक होती है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु छोटे छोटे होते हैं वो खाकर मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं, उस टाइप की यहाँ पे मिट्टी मिलती है। और जो गन्ने की जो जड़ें हैं, जैसे रेटून मैनेजर चलाने के बाद जो पुरानी जड़ें वो हमने काट दी, उस जड़ को काटने के बाद जो नई जड़ें चलती हैं वो यहाँ तक मिल जाती हैं हमें जड़, मतलब ये 5 फीट का गैप है, नई जड़ें भी, उनका भी विकास इतनी तेज़ी से होता है कि वो सारे में इस 5 फुट की जगह में फैल जाती है वो जड़। ये गन्ना कुछ पीला हो रहा है, और ये वैरायटी इसमें एक खुड़, ये 8005 का था गन्ना, काफ़ी लंबा है, लेकिन अब ऊपर से ये पीला पड़ने लगा। तो ये फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों मल्चिंग का। अच्छा, उठवाने का कारण क्या है, पेड़ी गन्ने में हमें करनी थी गेहूं की बुआई, और अगर हम ये पत्ती उस पेड़ी गन्ने में ऐसी फलवा देते और रूटर से या हैरो से जुताई करते, तो गेहूं की जो जड़ है वो नीचे मिट्टी तक नहीं जाती, गेहूं तो जम तो आएगा, लेकिन जो गेहूं की जड़ें हैं मिट्टी से जो भोजन प्राप्त करती हैं वो नहीं कर पाती थी, तो उसकी कमी से गेहूं क्या होता था, पीला रह जाता था,
पीला होता था, टिलिंग नहीं कर पाता था, बढ़वार नहीं हो पाती थी उसकी, तो इस वजह से ये सारी पत्ती उठवा कर इस खेत में डलवा दी। ये आज गेहूँ की सिंचाई चल रही है इसमें, अब लाइट भाग चुकी है। ये फ़ायदा हुआ मल्चिंग का, पत्ती उठवाने से। अब अगर हम इसमें वो चलवाते, जैसा कि यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हैवी मशीनरी पर, लगभग 50% 80% तक की सब्सिडी है। अब आप ये देखो, कई बार कोशिश कर ली लेकिन हमारा टोकन नहीं हो पाता, तो और मशीनरी है बहुत महंगी, ठीक है, तो मतलब हर किसान इस चीज़ को कर नहीं पाता। तो हमने भी फिर इसका आसान सा, सबसे सस्ता सबसे आसान सिस्टम इसका ढूंढा कि पत्ती उठवाओ और पौधे गन्ने में फलवा दो, सबसे बढ़िया सबसे आसान, ना कोई फालतू की लागत, कोई खर्चा नहीं। ये वाला खेत है, इस खेत की सारी पत्ती उठवा कर कुछ वो सामने 13235 है पौधा गन्ना, तो सामने फलवा दी सामने वाले खेत में, और कुछ उठवा कर इधर इस खेत में वहाँ पे फलवा दी। तो इसमें ज़्यादा लागत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, काम बहुत जल्दी ख़त्म होता है, कोई फालतू जुताई नहीं करनी पड़ती। अगर हम इसमें पत्ती की जुताई करते तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा आ जाता, कई जुताई हमें फालतू करनी पड़ती, और फालतू जुताई फालतू मतलब ज़्यादा खर्चा, तो वो सिस्टम भी कहीं ना कहीं हमारी जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाती। तो इस वजह से हमने फिर ये सारी पत्ती उठवाई और पौधे गन्ने में फलवा दी। पिछले काफ़ी टाइम से ऐसे इस तरह से ही करते हैं। अच्छा, फिर जैसे रेटून मैनेजर चलाया, पत्ती हमारी उसमें दब गई, दो या तीन पानी के बाद फिर उसकी खेत की जुताई शुरू हो जाती है। और जुताई करने के लिए हमारे पास हैरो है, रोटावेटर से जुताई करेंगे तो वो पत्ती थोड़ी बहुत उसमें फंसती है, लेकिन हैरो से जब जुताई करते हैं, जो छोटे ट्रैक्टर में चलती है उससे जब जुताई करते हैं, तो हैरो के अंदर पत्ती फंसती नहीं है, और है उसमें हैरो में जो आगे वाले तवे हैं वो कट वाले हैं, जिससे कि वो पत्ती आसानी से कट जाती है। और उसके बाद फिर मिट्टी चढ़ाने की भी हमारे पास हैरो है, चार तवे वाली, तो अगर थोड़ी बहुत पत्ती बचती भी है तो वो सारी पत्ती उसमें मिट्टी में मिक्स होकर गन्ने की साइडों में लग जाती है। तो ये फ़ायदा है, और पत्ती का समाधान आराम से हो जाता है बिना किसी अतिरिक्त लागत के। सामने गन्ना छिलाई भी हो रही है। ये इधर पशुओं के लिए हरा चारा बोया था, तो गायें झुंड का झुंड आता है, ये सब बांस रस्सी ये सब तोड़ दी। सरसों तो खाते नहीं लेकिन जई छोड़ते नहीं, तो ये सारी ख़त्म कर दी। ये 13235 पौधा गन्ना, जो कि पौध से तैयार करने के बाद लगाया था, पिछली साल अक्टूबर में पौध लगाई हमने, उसकी रोपाई कर दी मार्च में। मार्च तक भी उस पौध का कोई कुछ भी बिगड़ा नहीं, तो मार्च में रोपाई कर दी, और ये अब उसका गन्ना है। गन्ने में कहीं कोई आँखों में फुटाव या लगभग 11-12 फुट तक गन्ना तैयार है इसमें, और ये सारा गन्ना बीज में ही जाएगा। ये हमारा ठेकेदार है, गन्ना काट के आ गया, आज वैसे छुट्टी थी तो शाम के टाइम गन्ना काट दिया। ये है 15027। अभी मैं उस साइड था और अब मैं इस खेत के दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, और आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो, बिल्कुल आर पार सभी खुड्डों में पत्ती फलवा दी है, और जो खुड़ बच रहे हैं, जैसे ये पेड़ी गन्ना छिलाई होगी तो इसकी पत्ती यहाँ से उठवा कर इधर डलवा देंगे, यहाँ तक हुई है, ये आगे बच रहे हैं। और ये देखो किसान भाइयों, ये है 18 वेराइटी CO0118, जो वैरायटी 38 के साथ में रिलीज़ हुई थी, तो
काफ़ी दिनों बाद पिछले साल से ये लगानी शुरू की है। अब तक ये हमने लगाई नहीं थी, ये हमने 2008-09 में लगाई थी। और इसमें मतलब गन्ना पीला पड़ता था, कांटी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से इसको लगाते नहीं थे। लेकिन जब से 38 में ज़्यादा बीमारी आने लगी तो फिर इसको भी लगाना शुरू कर दिया, और पिछले 2 साल से अच्छा उत्पादन दे रही है, और लगभग 38 के बराबर ही उत्पादन इसका जा रहा है। ये देखो आप, स्वस्थ गन्ना है, कोई बीमारी नहीं किसी प्रकार की। गन्ना भी मोटा है और अच्छा वजनी गन्ना है। ये कुछ गन्ने तिरछे हो गए। ये देखो भाई, पर से अब ये मेड़ा खिल चुका है, यानी कि गन्ने की ग्रोथ बढ़िया है। सिंगल लाइन में गन्ने से गन्ना, अगर ये देखो पत्ती इसमें आर पार हो रही है, तो इसका उत्पादन आप कम से कम मान के चलिए 90 से ऊपर ऊपर, कम से कम। ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन 90 तो 100% निकलना ही है। अगर ये पत्ती ऐसे आर पार हो रही है, अगर खूड़ में आर पार चमक रहा है, तो उसका उत्पादन आप ऐसे मान के चलो 70 से 80 के बीच में। ये भी इधर 118 है। और किसान भाइयों, ये थी नई वैरायटी, जिसे कि गाय, शुरू से ही गाय ने ये खाना शुरू कर दिया था, और ये 2 खूड़ हैं ख़त्म ही कर दिए। ये देखो आप 18, थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार गन्ना है। उम्मीद करते हैं 100+ की, आगे प्रभु की इच्छा, जितना मिलेगा, जितना हमारे नसीब में होगा उतना मिलेगा। लेकिन गन्ने को देखते हुए इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन है इसका। ये देखो बिल्कुल घनघोर अंधेरा, ये देखो मज़े की बात है, खेत खूड़ के अंदर काई लग चुकी है और खरपतवार नहीं है। ये देख रहे हैं आप, खरपतवार नहीं है ज़रा सा भी। गन्नों की संख्या का अंदाज़ा और गन्ने की बढ़वार का अंदाज़ा इसी बात से लग जाता है कि ये देखो, वहाँ सामने थोड़ा सा धूप आने लगी तो वहाँ पे खरपतवार है, तो इसी बात से लग जाता है कि उत्पादन कैसा है। हालांकि सभी खुडों में इस तरह की नहीं है, ये या तो वैरायटी कोई और है, इसमें भी हालांकि लगी हुई है, काई अंधेरा है, और इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।